हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती एंड कॉट कॉलर की स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, अब इसमें मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूंगी। तो ये तीन पार्ट में ये फ्रॉक है जो बनके तैयार होगी, एक पार्ट में डाल चुकी हूँ कटिंग का, अब इसमें मैंने स्टिचिंग का पार्ट डालना है। ठीक है, तो इसका कॉलर हम कैसे अटैच करेंगे और बॉडी को कैसे स्टिच करेंगे तो वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लाइनिंग है वो हमने अटैच करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट की एक पार्ट मैं अटैच कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये नेक वाला है, तो इसको हमने कटिंग कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले लाइनिंग अटैच कर लें, उसके बाद आपने लाइनिंग की कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आर्म होल वाला साइड है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो कपड़ा आपका फालतू नज़र आ रहा है लाइनिंग में, उसको आपने कटिंग कर देना है। तो अब मैं बैक साइड की लाइनिंग आपको स्टिच करके बताऊँगी। इस तरीके से सबसे पहले आपने सेंटर में स्टिच लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने साइडों में स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए और बड़ी अच्छे से फिनिशिंग से आपने इसको स्टिच करना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की भी स्टिचिंग हो जाती है, लाइनिंग स्टिच हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे झोल आ रहा है ना स्टिचिंग में, क्योंकि मोटा बखिया करके स्टिचिंग लगाई हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसको इस तरीके से आपने खींच करके सेट कर लेना है। बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बैक साइड की भी मेरी लाइनिंग लग चुकी है। ठीक है, अब हमने फ्रंट साइड की भी लगा दी है, और ये देखिए बाजू भी मैंने तैयार कर ली है लाइनिंग लगा करके। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, और इसमें मैंने फ्रंट साइड में लेस भी लगाई हुई है, लेस भी अंडर ग्राउंड लगाई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लाइनिंग को अटैच करना है। ठीक है, तो जहाँ पे हमने बैक साइड में प्लेट डालनी है, ऊपर से हम 10 इंच छोड़ेंगे, और जो गैप रखना है हमने 3.5 इंच का रखना है, और इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, और फिर आपने यहाँ पे बैक साइड में प्लेट्स को डालना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी बैक साइड की प्लेट हम डाल देंगे इस तरीके से, और ऐसे ही आपने फ्रंट साइड में भी प्लेट्स को डालना है। सिर्फ दो दो प्लेट्स ही पड़ेंगी हमारी, दो आगे और दो पीछे। तो ये देखिए, बैक साइड हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी बैक साइड तैयार हो चुकी है। अब ये देखिए, हमारी जो कमर है यहाँ पे 18 इंच की आई है। अब मैं एक साइड आपको फ्रंट साइड भी स्टिच करके दिखा देती हूँ, लाइनिंग हमने कैसे स्टिच करी थी, जो मैंने जो पहले पार्ट मैंने दिखाया था। इस तरीके से आपने इसको भी स्टिच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्लेट डालनी है, जैसे हमने बैक साइड में डाली हुई है, और ये देखिए, ये फ्रंट साइड में भी हमने प्लेट डाल दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों साइडें प्लेट्स डाल दी हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमने नेक में लगाने के लिए जो पट्टियाँ कट की थी दो, उनमें भी हमने लाइनिंग अटैच कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है इस तरीके से। ठीक है, मेन पार्ट दोनों साइड होनी चाहिए, मेन पार्ट मतलब आपस में दोनों होने चाहिए, और लाइनिंग हमारी मतलब साइडों में आनी चाहिए, और इस तरीके से आपने इसको स्टिच कर लेना है। और जब आप पलटाएंगे तो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, मेन पार्ट जो है, मेन जो फैब्रिक है, ऊपर दिखना चाहिए बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। तो इस तरीके से आपने इसको अटैच करना है, और जो नेक की कटिंग करनी है आप इस तरीके से नाप करके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, जो पट्टी में हमने कट नहीं किया था। ठीक है, बाद में हमने कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए, और इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। बाद में हमने इसको कच्चा करके, ठीक है, बाद में हम तरपाई करेंगे। ठीक है, मशीन नहीं चलाएंगे, जब हम फाइनल लुक देंगे तो यहाँ पे हमने तरपाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी। अब ऐसे हमने इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे तरपाई कर लेनी है। ठीक है, या तो आप पहले ही तरपाई कर लें, स्टिच करने से पहले ही तरपाई कर लें, या बाद में तरपाई कर लें, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आप तरपाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने तरपाई करनी है। तो ये कॉलर इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में हुक पट्टी भी लगानी है, क्योंकि हमारा कपड़ा कम था। ठीक है, मैंने कटिंग करते समय बताया था कि कम था कपड़ा, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की हुक पट्टी लगाएंगे एक साइड में। ठीक है,
तो वो कैसे लगाएंगे वीडियो में एंड तक देखते रहिए, स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे कैसे इसकी पट्टी लगानी है और कैसे इसकी पूरी स्टिचिंग करनी है। अब बैक और फ्रंट को हमने दोनों को आपस में स्टिच करना है, ठीक है। जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है उसको हमने अटैच नहीं करना है अभी, उसको जब कॉलर लगाएंगे फिर हम अटैच करेंगे। अभी हमने बैक और फ्रंट के दोनों तीरों को ऐसे पकड़ना है और स्टिच करना है, ठीक है। सिर्फ तीरों को ही स्टिच करना है, जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उसको बीच में नहीं लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने एक साइड का तीरा स्टिच कर दिया, इसी तरीके से हमने दूसरी साइड का भी तीरा स्टिच करना है, उसमें भी हमने पट्टी नहीं लेनी है, जो हमने एक्स्ट्रा नेक को बनाने के लिए पट्टी लगाई है वो हम नहीं लेंगे अभी, पहले हम तीरा ही स्टिच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक करें अगर ज़रा से भी पसंद आए तो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तीरे मैंने जोड़ लिए हैं, अब ये साइड में जो पट्टियाँ हैं इनको मैंने बीच में अटैच नहीं करा है। अब हमने क्या करना है, कॉलर की हम लेंथ देखेंगे कितना हमारा यहाँ पे कॉलर लगेगा, और जहाँ से पट्टी हमने अटैच करी है, ठीक है, वहीं से हमने यहाँ पे एक डेढ़ इंच या सवा इंच आपने छोड़ना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और छोटा सा कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सवा इंच पे कट लगा दिया है, ठीक है, दोनों साइडों में आपने सवा सवा इंच पे इस तरीके से कट लगाना है, डेढ़ इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कट लगा दिया है, अब यहीं से हमने कॉलर को नापना है, ठीक है, जहाँ पे कट लगा हुआ है यहाँ पे यहीं से हमने कॉलर को नापना है कितना हमारा जो कॉलर की लेंथ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको नापना है, जैसे मैं नाप रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से नापना है, ठीक है। तो ये देखिए 13.5 इंच हमारा कॉलर की लेंथ है। तो अब हम कॉलर की कटिंग करेंगे, कैसे हमने कॉलर की कटिंग करनी है, तो ये देखिए 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को सेट कर लिया है इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कपड़ा हमने ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि 13.5 इंच हमारा है टोटल, ठीक है, कॉलर टोटल है 13.5 इंच, तो इसका जो हाफ बनता है 7.25 इंच बनता है, लेकिन हमने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलर फोल्ड भी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो ली है कॉलर की, ठीक है, 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, ऊपर से हमने 1/2 इंच की शेप देनी है, तो हमारा जो कॉलर है वो 3.5 इंच का तैयार रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो हमारा 13.5 का हाफ बन रहा है वो 7.25 इंच बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ा सा तिरछा किया है, क्योंकि कॉलर की जो शेप होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच डीप कर दिया है, ठीक है, सेंटर से इसको डीप कर दिया है इस तरीके से। देखिए 3.5 इंच हो गया और यहाँ पर 4 इंच ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है ऐसे, तो ये हमारे कॉलर की कटिंग हो जाती है। इसकी स्टिचिंग मैं अलग पार्ट में डालूंगी, तीसरे पार्ट में डालूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो फिर जो व्यूवर्स हैं वो देखते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉलर कटिंग हो जाता है, इसमें या तो आप पेस्टिंग लगा लें या फिर आप लाइनिंग ही पैक कर दें, तो इस तरीके से ये कटिंग हो जाती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट तीसरे पार्ट में, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।